हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं कमाल की एक्टिविटी, स्काई डाइविंग। जो कि स्काई डाइविंग करने जा रहे हैं हम कल मॉर्निंग में, और हमने बुकिंग कर ली है। और ये पता है हमें बिल्कुल सेंट्रल में, हमारे होटल के पास ये सर का ट्रैवलिंग एजेंसी है, काफ़ी सही रेट है। दिखाओ भी सर को भी, ये हमारे सर हैं यहाँ पे, ये प्रोवाइड करवा रहे हैं वीडियो प्लस स्काई डाइविंग। सो अभी हम निकल रहे हैं स्काई डाइविंग के लिए, मॉर्निंग में निकलेंगे। सॉरी अभी। तो जी गाइज, हम अपना पैकेज बुक करके अभी बाहर आ चुके हैं, और मेरा होटल जस्ट पीछे ही है, और मैं थोड़ी सी दूरी पे वॉक करके आया हूँ। और यहाँ पे इनका नाम है ये सिंह टूर्स करके, और ये बड़े ही कमाल के यार टूर पैकेजेस प्रोवाइड करवाते हैं, और यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सबके टिकट्स इशू करवाते हैं। तो इनका ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दिया है आपको, अगर जो आप कभी जाना हो तो इन्हीं से कॉन्टैक्ट करें। और यहाँ पे एक मनी एक्सचेंज भी है, यहाँ पे बहुत ही सही रेट मिलते हैं गाइस। आप एयरपोर्ट से ना करें, बजाय आप बाहर से करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी हम अपने होटल की तरफ जा। सो फाइनली गाइज, यार सुबह हो चुकी थी और हमारी कैब हमें लेने के लिए आ चुकी थी। उन्होंने हमें खुद ही कॉन्टैक्ट किया और हमें मॉर्निंग में उठाया, और ये वैन में मैं जाने वाला था, और यहाँ से थैंक्स टू माय ब्रदर, उन्होंने शूट किया है। उसके बाद हम आगे बढ़ चुके थे, जैसे ही मैंने अपना डोर खोला मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग अंदर थे। और कमाल की बात यार, मुझे काफ़ी एक चीज़ बुरी लगी कि यहाँ पे इंडियंस कोई भी नहीं था, सारे थाई पीपल्स और चाइनीज़ पीपल्स थे। तो हम आगे की तरफ को जा, यार रोड्स देख रहे हो गाइस, यार हमारे इंडिया में भी इतनी ऐसी रोड्स हो जाए तो कितना बेटर रहेगा। जिग-जैग रोड्स हैं प्रॉपर, इनकी जितनी भी स्ट्रीट रूट्स थी, इवन जो मोहल्ले की रूट्स थी, वो सारी यही ऐसे ही थी, बिल्कुल प्लेन सपाट पूरी। मतलब मेरा जो सफ़र था लगभग 3 घंटे का था, और सिंगल गड्ढे में भी गाड़ी नहीं गई है। गाइस, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने पूछा कि स्काई डाइविंग कितनी की हुई थी, क्या हुई थी। तो गाइस मैं बता दूं आपको कि मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मेरी स्काई डाइविंग कितनी की हुई थी। और फाइनली आफ्टर 200 किलोमीटर के बाद, हम 3 घंटे का सफ़र करने के बाद एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे, जहाँ से हमारी स्काई डाइविंग होने वाली थी। और मैं यहाँ पे शूट भी कर रहा था कि कुछ छूटे ना। सो गाइस, मैं अभी अंदर जाने वाला हूँ, और अंदर बहुत ही अच्छा माहौल है गाइस, लेट्स सी। सो फाइनली यार, हम अंदर आ चुके थे, और हमें दो चिंकी पोंकी दिखाई दी। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट सर्च कर रही थी, तब तक हमने सोचा आसपास देख ले। तो हमने जब आसपास देखा तो हमें एक भी सिंगल इंडियन नहीं दिखा, सारे यूरोपियंस और हमें चाइनीज़ मिले। और फाइनली हमारे डॉक्यूमेंट मिल चुके थे, और इन्होंने डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं कि ये लोग प्रॉपर वेट करते हैं कि कितना बॉडी वेट है, और उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी इन्होंने कैटेगरीज देखते हैं कि मतलब हेल्थ सही है या नहीं है। तो ये फॉर्म फिल करते हैं और करवाते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं, अपना वारंट, इंश्योरेंस वगैरह भी करते हैं, और एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं, इवन मैं सब बताऊंगा अभी आगे आके। सो फाइनली गाइज, हमने अपना फॉर्म भर दिया था, और उसके बाद इन्होंने कमाल की बात है कि इंश्योरेंस करवाया मुझसे, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगे, और हमें एक बैंड बना दिया। और यहाँ के पता लगा यहाँ पे दो तरह की स्काई डाइविंग है, लाइक ड्यूलेक्स एंड VIP। सो हमने तो VIP सेलेक्ट किया। आई एम रेडी फॉर स्काई डाइविंग गाइस। इन्होंने भी पानी में सिंगल से होटल दिए, यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ हो रही है। 3 प्लेन्स हैं यहाँ पे, और जाने वाले बढ़ रही है एक्सपीरियंस, तो बड़ा गरीब कर रहा है इन्होंने इंश्योरेंस के। फाइनली गाइज, हम अंदर चिल मार रहे थे और लोगों को रेडी होते हुए देख रहे थे, और लगभग हमारा नंबर जो आया वो 2 आवर्स के बाद आया, 2 घंटे बाद आया। तब तक हम बाहर चिल मार रहे थे और प्लेन को आते जाते देख रहे थे बार बार। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, चिल मार रहे थे, और अंदर काफ़ी मतलब अच्छा माहौल था, काफ़ी सारे लोग चिल मार रहे थे, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी अंदर करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। कैंटीन था वहाँ पर, हमने इंजॉय करा काफ़ी सारा, काफ़ी सारे लोगों से हमारी बात भी हुई अंदर, काफ़ी चाइनीज़ पीपल्स थे तो हमने उनसे भी बात करी। तो हमने उनके मतलब हमने उनसे पूछा कि उनसे इंडिया कैसा लगता है और क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में। उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा थॉट सोचते हैं, और काफ़ी मिलके मतलब नॉर्मली लगा हमें, ऐसा लगता है जैसे इंडिया में रहते हुए कि चाइनीज़ पीपल्स बेकार ही हैं वो, बट इनका खान पान थोड़ा सा अजीब रहता है, बट यार मतलब दिल के तो साफ ही रहते हैं, बंदे भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मिलके काफ़ी खुशी हुई लोगों से भी। और जब तक मैं देख रहा था यहाँ पे लोग स्काई डाइविंग से उतर रहे थे, मतलब ऊपर से आ रहे थे पैराशूट ले लेके, हमारा प्लेन वापस आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। तो फाइनली हमारा गाइस प्लेन आ चुका था, और हम भी स्काई डाइविंग के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, और मैं बार बार शूट ले रहा था इनका, प्लेन आ रहा है, प्लेन आ रहा है, हमारी चांस आ रही है, पर हमारी चांस लगभग 2 घंटे बाद आई है। सो गाइज, यार थाईलैंड में आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल जाती है, लाइक ऑलमोस्ट सारी यार,
मतलब उनमें से सबसे पहले मैंने स्काई डाइविंग इसलिए सेलेक्ट करा क्योंकि यार लाइफ का सबसे बेस्ट एडवेंचर है। सो फाइनली हमने सेलेक्ट कर लिया था कि हम स्काई डाइविंग ही करेंगे, और मैं इस वीडियो में आपको बता भी देता हूँ कि मेरी स्काई डाइविंग की जो प्राइजेस वगैरह पड़े वो क्या थे। अप्रॉक्स इन्होंने 13,000 बात हमें करा, जिसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 30,000 के आसपास ये स्काई डाइविंग हुई, जबकि दुबई में ये 70,000 के आसपास अगर जो हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो हमारी पाम जुमेरा आइलैंड के ऊपर होती है। सो काफ़ी कम रेट में, काफ़ी बढ़िया रेट में हमें थाईलैंड में ये एक्टिविटी करने को मिली। लगभग 30,000 उन्होंने 30-35,000 के अप्रॉक्स हमें ये पड़ा, और साथ ही में इन्होंने एक सरप्राइज़ करा कि हमें यहाँ आने के बाद एक इंश्योरेंस कराना पड़ा, जो कि अप्रॉक्स हम कहें 700 टू 1,000 रुपीज़ हमसे एक्स्ट्रा लिए गए, जिसमें कि दो पैकेज थे लगभग 13,000। अगर जो आपको नहीं भी पे करना है तो आप उसमें से वीडियो हटवा सकते हो अपनी, क्योंकि अगर जो आप वीडियो करवाते हो तो आपके साथ एक और बंदा एक्स्ट्रा कूदेगा जो आपको रिकॉर्ड करेगा, जैसे कि मैंने अपनी आगे रिकॉर्डिंग में दिखाया है। और मैं तब तक ग्राउंड में बहुत चिल मार रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को उतरते हुए देख रहा था, तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमारा प्लेन भी यहाँ पे आ चुका था और हमारी टर्न आने ही वाली थी, जस्ट उससे पहले ये फ्यूल इंजेक्ट कर रहे थे तो टाइम लग रहा था। उसके बाद हम प्रिपेयरिंग एरिया में जाने वाले थे जहाँ पे मुझे ट्रेन करने वाले थे। लगभग आधे घंटे का इन्होंने मुझे ट्रेन करा है कि आपको कैसे कूदना है, क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले सिग्नल रिसीवर, जब ये सिग्नल पे मतलब इसमें सिग्नल सेंड करेंगे तब मुझे काउंटर पर पहुंचना है ताकि मेरी भी बारी आई जाए। सो अभी मैं आपको यहाँ का कैंटीन एरिया दिखाता हूँ। दिस इज प्रिपेयरिंग एरिया। सो गाइस, जो हमारा प्लेन है वो फिर से एक और बार हमसे पहले जाने वाली बारी के लिए रेडी हो चुका था टेक ऑफ लेने के लिए। और फिर हमने सबसे पहले तो यहाँ खड़े होकर इसका टेक ऑफ देखा कि इज़ दैट सेफ और नॉट, और फिर हमने इसका टेक ऑफ देखा और काफ़ी रिलैक्स फील करा गाइस, क्योंकि इसका टेक ऑफ बहुत ही मतलब मज़ेदार था, बिल्कुल ईजी तरीके से हुआ टेक ऑफ। और काफ़ी पहले हमसे निकल चुके थे और हमारी भी बारी आने वाली थी, तो हम प्रिपेयरिंग रूम में पहुँच इसके बाद जाने वाले थे। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज कि हम जाने वाले हैं प्लेन से और आएंगे बिना प्लेन के, सो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। एंड गाइस यार प्लीज़ डू कमेंट यार, आपके एक सिंगल कमेंट से मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और साथ ही में कमेंट यार अपना छोड़ दिया करो यार, कुछ भी जो भी मन में आ रहा है, इवन कुछ भी नहीं आ रहा है मन में तो यार एक इमोजी बना के छोड़ दिया करो, एक हार्ट बना के छोड़ दिया करो, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है बिकॉज उससे। सो हम आगे की ओर जा चुके थे, तभी हमारा बुलावा आ चुका था, हमारा वो सिग्नल बच चुका था, और हम फिर काउंटर पे गए और हमारा शुरू हुआ फिर फ़ोटोशूट। हमें फ़ोटोशूट के लिए बुलाया गया, हमारा गिम्बल में फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया था। फिर फ़ोटोशूट के बाद देखो दोस्तों, अभी स्काई डाइविंग करने जा रहा है, देख लो इसको। तो तुम्हारी धक धक कैसी हो रही है इस टाइम? ये प्रिपेयरिंग रूम था गाइस, यहाँ पे केवल स्काई डाइवर जा सकते थे इसलिए हम अंदर नहीं गए। और सामने आप देख रहे होंगे वो पैराशूट बंद कर रहे हैं, सामने पैराशूट बैग्स हैं और एक प्लेन भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, जिस हम प्राइवेट प्रॉपर्टी में आए थे। प्राइवेट है, बेसिकली प्राइवेट एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे जो एयरप्लेन्स थे ये भी प्राइवेट थे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 प्लेन्स थे जिसमें हम जा रहे थे बार बार, जिसमें कि सिर्फ और फाइनली यहाँ पे कुछ इंडियन गाइस पहुँच ही चुके थे।
धमाल मचाने के लिए इनसे हमारी काफ़ी सारी बातें हुई, क्योंकि ये भी नॉलेज यहाँ पे गेन कर रहे थे कि कैसे उतरना है, कैसे चढ़ना है, सारी ट्रेन कर रहा था, स्काई ड्राइवर था यहाँ पे। ये पढ़ा रहे हैं भाई साहब कि कैसे आपको लैंडिंग करनी है और एक बनाने की शेप में होना है। तो जी जिन लोगों ने यार गाइस सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस मेरी बहुत धमाकेदार होने वाली है। बिकॉज थाईलैंड में एक फेस्टिवल होता है जिसको हम बोलते हैं सोंगटांग फेस्टिवल, दैट इज़ लाइक होली। हमारे इंडिया में होली होती है वैसे ही वहाँ पे सोंगटांग फेस्टिवल होता है, पर हमारे इंडिया की तरह नहीं खेलते। और फाइनली हम अपने स्काई ड्राइवर जोन में पहुँच चुके थे। जब मैं स्काई ड्राइवर जोन में गया गाइस तो यार मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत डरा हुआ था कि मतलब 20,000 फीट की ऊंचाई से फेंक दिया जाएगा ऐसे ही, और लग भी नहीं रहा था कि मुझे पैराशूट वगैरह कुछ सपोर्टिंग होगा। पर अंदर के जितने भी बंदे थे यार बहुत ही मतलब नेचर में बहुत ही औसम थे, सभी का नेचर बहुत अच्छा था, और हम फाइनली निकल पड़े थे अपने स्काई ड्राइविंग के लिए। Hey, good afternoon. Welcome to Rock Zone Thailand. How are you doing today? Good? Good. Are you ready to go skydive? Yeah. Yes? Okay, yeah. We'll see you in the sky then. Have fun. देखिए शिवम आ चुका है आपके सामने। अब हम इसका इंट्रो लेंगे। दिस इज द बेस्ट एडवेंचर इन माई लाइफ, रियली यू शुड ट्राई स्काई डाइविंग इन योर लाइफ वन टाइम। दिस इज फट रही थी भाई बेबी, ऊपर से इन्होंने ऐसे ही फेंक दिया उठा के 20,000 फीट की ऊंचाई से। ओके ओके, आई शो यू इन माई वीडियो। ओके तो फाइनली गाइस लाइफ का सबसे बेस्ट एडवेंचर मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट एडवेंचर मेरा हो चुका था, और मेरी बहुत ही कमाल की वीडियोस आने वाली है आगे होने वाली, और भी वीडियोस मेरी बहुत कमाल की होने वाली है। सो गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट गाइस। और यार कमेंट कर दिया करो प्लीज यार।